इंदौर पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी करने वाले कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष यतिंद्र वर्मा को पकड़ा है। उनके पास से दो ऑक्सीफ्लोमीटर भी बरामद किए गए हैं। कालाबाजारी को उजागर करने के लिए राजेंद्र नगर टीआई ने खुद मोर्चा संभाला। रात 10 बजे पीड़ित परिवार का सदस्य बनकर व्यक्ति को कॉल किया। करीब 2 घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। टीआई अमृता सोलंकी के अनुसार कोरोना संक्रमण काल के चलते ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में लोग जैसे तैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें लगने वाले ऑक्सीफ्लोमीटर के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। इसी का फ़ायदा उठाकर लोग इसकी जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं और 3 से 4 गुना ज़्यादा दाम में इसे बेच रहे हैं। ऐसे ही शिकायत आने पर पता चला था कि यतिंद्र वर्मा नाम का एक व्यक्ति अधिक दाम में ऑक्सीफ्लोमीटर उपलब्ध करवा रहा है। इस पर पीड़ित परिवार का सदस्य बनकर रात करीब 10 बजे से कॉल किया। उसने बताया कि वो 7,000 रुपये में ऑक्सीफ्लोमीटर उपलब्ध करवा देगा। पहले तो उसने कहा कि वो 3 पुलिया पर डिलीवरी देगा, किसी को भेज दें, लेकिन परेशानी बताते हुए उसे कहा कि घर पर कोई नहीं है, यदि घर के आसपास डिलीवरी दे पाए तो अच्छा होगा। ऐसा करते करते उसे पुराने आरटीओ तक बुलाया। वो यहाँ कार से पहुँचा। पहले से ही पुलिस ने सारी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसे 7,000 रुपये दिए, उसने तत्काल गाड़ी से ऑक्सीफ्लोमीटर निकाल कर दे दिया और तुरंत ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। पूछताछ में यतिंद्र ने बताया कि अरबिंदो अस्पताल के पास उसका किराए का एक मकान है, वहाँ पर भी एक ऑक्सीफ्लोमीटर रखा हुआ है। इस पर दबिश देकर वहाँ से ऑक्सीफ्लोमीटर बरामद किया। मामले में उसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये ऑक्सीफ्लोमीटर कहाँ से लेकर आ रहा था। सुनिए वर्मा का वायरल ऑडियो, जिसमें किस तरह से मामूली से दाम में मिलने वाले ऑक्सीफ्लोमीटर को ये 7,000 रुपये में बेच रहे हैं। हेलो भैया, वर्मा भैया बोल रहे हैं क्या? जी वर्मा बात कर रहा हूँ। भैया मुझे ना, मुझे नंबर दिया था मेरे भाई साहब ने, वो बोला था ऑक्सीमीटर की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो आप कर देंगे। किन्ने बोला आपको नंबर दिया था? एक राजू भैया है हमारे, तो हमारी मम्मी क्या है कि वो अभी घर पे ही है और हमारे पास सिलेंडर तो है, पर उसके ऊपर वो ऑक्सीमीटर लगता है, तो बोल रहे थे कि ये नंबर ले लो भैया, बोले व्यवस्था कर। मैम वो ऑक्सीमीटर मेरे पास नहीं, पर मैं कहीं उपलब्ध करवा दूंगा। वो 6 बजे कब में नहीं आएगा मैम? ये बात पड़ा है। कितने में आ जाएगा? कितने में? 7,000 रुपये, 7,000 रुपये भैया चलेगा? भैया अभी बहुत जरूरत है, मेरी मम्मी बहुत जरूरत है। तो मैम आप एक काम करिए, आप किसी को पहुंचा सकते हैं तो कार्तिक मेडिकल पे बता दीजिए, 3 पुलिया चौराहे पर। कौन से चौराहे पर भैया? 3 पुलिया चौराहे पर कार्तिक मेडिकल पे पहुंचा दीजिए। 3 पुलिया चौराहेगा भैया? मैम आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भैया अन्नपूर्णा से बोल रही हूँ। अन्नपूर्णा से बोल रहे हैं मैम? ये परदेशपुरा के पास 3 पुलिया आता है जी भैया। मैम यहाँ पर पहुँचा दीजिए किसी को। तो वहाँ जाके आपको फोन लगा लूँ? मेरे को फोन लगा लीजिए, मैं करवा दूंगा मैम। जी जी भैया, थैंक यू भैया। जी मैम। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।